अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएं। तो फिर चलिए देखते हैं ये गाजर का हलवा मैंने कैसे बनाया है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएँ और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दें। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो गाजर लिए हैं, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। शक्कर लिए मैंने 250 ग्राम, आप इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। घी लिया है मैंने 2 टेबलस्पून भर के, और मैंने कुछ काजू और बादाम लिए हैं जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। और मावा लेंगे हम 1/2 कप। इलायची पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, और 1 कप दूध लेंगे हम। तो ये चीज़ें चाहिए हमें गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई में हम सबसे पहले घी डालेंगे। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये गाजर डाल देंगे। गाजर को हम 5 मिनट ऐसे ही भूनेंगे। गाजर को हम अच्छे से 5 मिनट भूनने के बाद इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो शक्कर ऐड करने के बाद ये जो गाजर है वो अपना पानी छोड़ने लगेगा। तो हम शक्कर की इसी चाशनी में पहले गाजर को अच्छी तरह से पका लेंगे। चाशनी जब तक सूख नहीं जाती तब तक हमें गाजरों को अच्छे से पका लेना है। तो चाशनी के सूखने तक हमने गाजर को अच्छी तरह से पका लिया है। तो अब हम इसमें ये दूध ऐड कर देंगे। तो अब हम ये गाजर को अच्छी तरह से दूध में पका लेंगे, जब तक ये सारा दूध जो है वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। तो देखिए फ्रेंड्स, गाजर को हमने दूध में अच्छी तरह से पका लिया है। इसमें हमने जो दूध ऐड किया था वो सारा का सारा ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ये इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, और इसी के साथ ही हम इसमें ये मावा भी ऐड कर देंगे, और ये ड्राई फ्रूट भी हम इसमें डाल देंगे। तो आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैं इसमें ये काजू और बादाम डाल रही हूँ। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमने हलवे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम हलवे को 5 मिनट इसी तरह से भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट मैंने हलवे को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें घी भी नज़र आने लगा है। तो यह जो हलवा है वो पूरी तरह से रेडी है सर्व करने के लिए। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा गाजर का हलवा। तो अगर आपको मेरी ये गाजर के हलवे की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को दबाकर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।